तभव्यंत सर्वम यश्च अधितिष्ठते स्वर्यस्य जेष्ठाय ब्रह्मणे नमः तस्मै जेष्ठाय ब्रह्मणे नमः पिछली बार हमने आचमन के तीसरे मंत्र की चर्चा की थी और उसमें यह बताया था कि इस मंत्र का यह वैज्ञानिक अर्थ है कि ओम रश्मिया प्रत्येक क्रिया के साथ सदैव कार्यरत रहती हैं प्रत्येक क्रिया जो भी ब्रह्मांड में हो रही है छोटी अथवा बड़ी उस सबके अंदर प्रतिष्ठित होकर उसको प्रेरित करती है एक बार नहीं बल्कि सदैव ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है ऊर्जाओं के जितने भी प्रकार हैं उन सब का मूल ईश्वर है और वहीं से मानो ऊर्जा संचरित हो रही है और बताया कि संसार को परमात्मा खेल खेल में बना देता है अर्थात सहजता से बिना किसी कठिनाई के आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि इस मंत्र से हमें क्या हमें क्या सीखने को मिलता है हमें क्या शिक्षा मिलती है ओम सत्यम यश श्रीमययी श्री श्रयताम स्वाहा इसमें दो वस्तुओं की इच्छा की गई है एक तो यश और श्री हे ईश्वर यश और श्री मेरे अंदर श्री के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए आज संसार में देखें तो मनुष्य की दो प्रकार की कामना सबसे बड़ी है एक धन की कामना और एक यश की कामना इन दोनों से बचना बहुत कठिन है तो यह मंत्र भी कहता है मुझ में धन प्रतिष्ठ। प्रतिष्ठित होवे मुझमें यश प्रतिष्ठित होवे और ये दोनों ही धन के रूप हैं श्री का अर्थ धन है लेकिन बहुत सारे और भी अर्थ हैं शोभा है विद्या है सुंदरता है ये सब हैं तो ये सब मेरे अंदर प्रतिष्ठित हो जाए आश्रित हो जाए लेकिन यह मंत्र कहता है कि कैसा यश हो हमारा जो सत्य के कारण यश होवे ऐसा यश मुझ में प्रतिष्ठित हो जाए जो सत्य के कारण सत्य पर आधारित तो धन होवे ऐसा धन मुझ में प्रतिष्ठित हो जाए अर्थात यश और सत्य दोनों का जो आधार है वह सत्य होना चाहिए यदि यश का आधार सत्य नहीं है और धन का आधार सत्य नहीं है तो ऐसा धन ऐसा यश किसी काम का नहीं है उसकी यहाँ कोई कामना नहीं है आज मनुष्य संसार में जितने भी विवाद हैं उनमें इन दो की कामना ही पीछे छिपी है अगर मेरे यश से किसी और व्यक्ति का यश ज्यादा हो रहा है तो मुझे ईर्ष्या हो जाएगी ऐसी संसार की प्रवृत्ति है यदि मुझसे किसी पर अधिक धन है तो मुझे उसे ईर्ष्या हो जाएगी यह मनुष्य की प्रवृत्ति है और जो अपने से आगे बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए वह कुछ भी कर सकता है आज देश में हम देखते हैं बहुत सारे लोग राजनीति के माध्यम से कुछ समाज सेवा के माध्यम से कोई गो सेवा के माध्यम से कोई राष्ट्र सेवा के माध्यम से कोई अध्यात्म सेवा के माध्यम से कोई विज्ञान की सेवा के माध्यम से काम कर रहे हैं उनके कार्य करने के पीछे उद्देश्य क्या है यह महत्वपूर्ण होता है अगर कोई व्यक्ति ईश्वर का प्रचार करके ईश्वर के नाम का प्रचार करके यश कमा रहा है और यश कमाना मुख्य उद्देश्य है ईश्वर प्रचार ईश्वर के उपदेशों का प्रचार उसका गौण है तो उस प्रचार का कोई लाभ नहीं है व्यक्ति अपने यश के लिए एक व्यक्ति गौशाला चलाता है उद्देश्य यह है कि उसका यशोभे तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा सेवक है उद्देश्य गौ सेवा नहीं है उद्देश्य राष्ट्र सेवा नहीं है अगर राष्ट्र सेवा सेवा यह उद्देश्य होता समाज सेवा उद्देश्य होता और उसके प्रति यश प्राप्त करने की इच्छा न होती तो आज संसार कहीं का कहीं पहुंच गया होता हम विचार करें कि जिन्होंने देश सेवा करते करते अपने प्राण त्याग दिए क्या उनके मन में कोई भाव था कि उनका यश होगा उन्होंने यह देखा नहीं कि मरने के बाद हमें क्या मिलेगा जवानी होम दी सुभाष चंद्र बोस सरदार भगत सिंह उधम सिंह बिस्मिल राजगुरु सुखदेव बिल्कुल जवान थे क्या उन्होंने सोचा कि वो राष्ट्र की सेवा करें तो उनको यश मिलेगा उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने ये सोचा कि मेरा कर्तव्य है मैं राष्ट्र की सेवा करूं मुझे यश मिले अपय मिले इसकी कोई चिंता नहीं है उन्होंने बीज बोया आजादी का बीज बोया उस आजादी का फल खाने की उनकी कोई कामना नहीं थी उन्होंने अपने कर्तव्य को चुना फल को नहीं कृष्ण भगवान गीता में यही कहते हैं वाधिकार है माँ फलेश कदाचन माँ कर्म फल हेतु संगो स्वकर्मणि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है लेकिन फल यश है यश की कामना से जो कर्म किया जाता है उसका वो फल नहीं मिलता जो बिना यश की कामना के किया जाता है धन की कामना के से जो कर्म किया जाता है उसका वो फल नहीं मिलता जो बिना धन की कामना के किया जाता है आज हमारा एक एक व्यवहार यश के लिए है मैं कैसे कपड़े पहनूं जो अच्छा लगेगा मैं कैसा श्रृंगार करूं जो अच्छा लगेगा मैं कैसे भाषण दूं ताकि श्रोताओं को अच्छा लगेगा और अनेक लोग तो पूछते भी हैं ये व्याख्यान दिया फिर पता लगाएंगे कि मेरा व्याख्यान कैसा हुआ मेरा व्याख्यान कैसा हुआ कईयों से पूछेंगे। और जब उनको कहा जाए कि आपका व्याख्यान बहुत अच्छा लगा तो उनको बहुत खुशी होती है और कह दिया जाए कि आपका व्याख्यान का श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा तो उनको दुख होता है वो परेशान हो जाते हैं एक हमारे मिलने वाले बहुत प्रतिभाशाली है अच्छे वक्ता है लेकिन उनकी सबसे बड़ी बीमारी है कि उनको यश की कामना बहुत एक व्याख्यान देके सबसे पूछेंगे मेरा आज व्याख्यान कैसा लगा और जब कहीं से थोड़ा भी नकारात्मक आए फिर मुझे कहेंगे कि मैं तो मेरी जिंदगी बेकार है मैं तो कुछ किया ही नहीं मेरे से आगे वो मेरे से आगे बढ़ गया वो मेरे से आगे बढ़ गया वो मेरे से आगे बढ़ गया तो ऐसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकते उन्हें हर समय अपने यश की चिंता रहती यश में थोड़ी कमी आई तो वो असहज हो जाते हैं वो परेशान हो जाते हैं चिंतित हो जाते हैं तनावग्रस्त हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते ऋषि दयानंद का खूब अभ्यास किया लोगों ने लेकिन क्या कभी निराश हुए काशी में शास्त्रार्थ हुआ था तो शास्त्रार्थ उन्होंने हराया भी था लेकिन उसके बावजूद काशी नरेश की उपस्थिति में काशी के गुंडों ने उन पर ईंट पत्थरों कीचड़ धूल मिट्टी की वर्षा की और एक साधु थे शायद ऐसा ही कुछ नाम था जवाहरदास ऐसा कुछ नाम था मुझे याद नहीं रहा उन्होंने सोचा कि स्वामी दयानंद विद्या के तो सागर हैं आज उनका अपमान हुआ है काशी में वे अकेले थे उनके सामने तीन सौ पंडित थे मुख्य पंडित २९ थे ५०,००० की भीड़ थी स्वयं काशी के राजा थे उन्होंने अपमान किया आज उनको अवश्य दुख हुआ होगा मैं मिल के आता हूं तो जब वो महात्मा जी मिलने गए ऋषि दयानंद जी से ऋषि दयानंद वहां भ्रमण कर रहे थे और बिल्कुल भी उनके चेहरे पर निराशा नहीं थी कोई दुख नहीं था उन्होंने जाकर अभिवादन किया और कहा कि महाराज जी मैं अब तक आपको केवल विद्वान समझता था लेकिन आज मुझे अनुभव हुआ कि आप ब्रह्मनिष्ठ योगी भी हैं इतने बड़े अपमान का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं अवीत राग है स्थिति प्रज है तो हर समय जो यश की कामना करता है हर समय जो धन की कामना करता है उसे वो नहीं मिलता तो क्या करेगा एक विद्यार्थी हर समय यही सोचता है कि मैं मेरिट में आऊं मेरा कोई ना कोई स्थान आना चाहिए पढ़ने से ज्यादा ध्यान उसका इस पर रहेगा कि मेरा कोई स्थान आना चाहिए और एक विद्यार्थी कर्तव्य समझ के पढ़ता मुझे पढ़ना स्थान आएगा जो आएगा मैं पढ़ूंगा दोनों का परीक्षा परिणाम आता है कल्पना कीजिए दोनों ही मैरिट में नहीं आते योग्यता दोनों की बराबर है तो जो रात दिन मेरिट मेरिट का रट लगाता था वो अवसादग्रस्त हो जाता है डिप्रेशन में चला जाता है या मर जाता और जो पढ़ता था केवल कर्तव्य भाव से पढ़ता तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो सोचता अगली बार फिर प्रयास करूंगा ये दोनों में अंतर होता है दूसरी बात यह उन्होंने प्रयास ईमानदारी से किया एक व्यक्ति और है जो पढ़ता भी है या पढ़ता कम है नकल करने की इच्छा बहुत करता है सेटिंग करता है कहीं मेरा मेरिट में आना चाहिए वो सेटिंग करता है या बहुत सेटिंग अखबारों में पढ़ेंगे किसी के बदले कोई परीक्षा दे देगा सेटिंग करके नौकरियां पाई जाती हैं सेटिंग करके अंक ज्यादा लाया जाए सेटिंग करके पुरस्कार लिए जाते हैं पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी पर जिला प्रशासन उपखंड प्रशासन भारत सरकार सम्मानित करती है पुरस्कार घोषणा करती है उसमें बहुत कुछ तो राजनीतिक और सेटिंग बाजी से भी होते हैं तो यह मंत्र कहता है कि मेरा जो यशोबा सत्य पर आधारित हो किसी सेटिंग पर आधारित नहीं हो वैसे भी हम विचार करें धर्म की दृष्टि से तो मुझे लोग बहुत अच्छा कहें खूब माला पहनाएं खूब स्वागत करें अच्छा उससे क्या होगा थोड़ी देर अच्छा लगेगा उसके बाद क्या हुआ उसमें कहीं भी कमी आई तो दुख होगा और परलोक में क्या हुआ उससे क्या क्या मिलेगा उससे हमें अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना ही है इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी कोई जितनी प्रश्न कितनी भी प्रश्न करे उस फल पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं और कोई निंदा भी कर ले तो उसका भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं मैं तो वही रहूंगा जो हूं कोई पीतल को सोना बना बना के खूब पुकारे पर किसी के सोना सोना कहने से पीतल कभी सोना नहीं बन सकती उसकी संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कोई कितना ही बोले ना नीलिए मंत्र कहता है कि मेरा यश हो वो सत्य पर आधारित हो यह ठीक है कि यश और अपयश दोनों में समान भाव रखना ये कोई साधारण बात नहीं है यश मिलता है तो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है हर व्यक्ति योगी ब्रह्मनिष्ठ नहीं होता और अपयस होता है तो हर व्यक्ति को बुराई लगता है लेकिन मंत्र कहता है यश सत्य पर आधारित होना चाहिए उसके लिए हमें गलत रास्ते नहीं अपनाए तो अपराध है आज जितना भी आज जो यशस्वी लोग हैं भारत में या संसार में कोई राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यक्ति है कोई बड़ा साहित्यकार है कोई बड़ा इतिहासकार है कोई बड़ा लेखक है कोई पत्रकार है कोई कुछ है उनके व्यक्ति का जीवन को हम देखें और अपने से तुलना करें एक गांव के सामान्य किसान मजदूर के चरित्र से उनके चरित्र की तुलना करें तो मुझे लगेगा कि किसान और मजदूर का चरित्र उनसे बहुत ज्यादा अच्छा हुआ जो हाई प्रोफाइल लोग हैं भारत और विश्व के क्यों होगा कि नहीं होगा किसान मजदूर अपने परिश्रम की कमाई करता है झूठ नहीं बोलता ईश्वर के दिए में संतोष करता है लेकिन वे उनको कोई संतोष नहीं है वो स्वयं को ही ईश्वर समझ लेते हैं भले ही वो ईश्वर की पूजा करते हैं किसी रूप में मानते हो लेकिन वो स्वयं को ईश्वर से कम भी नहीं समझते हैं जब बात करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे सब कुछ जानते हैं जैसे सारी दुनिया को ये बदल देंगे जैसे सारी दुनिया का ठेका इनके पास ऐसा बोलेंगे तो उनसे किसान मजदूर का चरित्र अच्छा है और ईश्वर की दृष्टि में वे किसान और मजदूर उन बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से ज्यादा अच्छे हैं जब तक उन, उनका चल रहा है जब तक चल रहा है जाएंगे तो एकदम चले जाएंगे और पर लोग तो दूसरा जन्म तो बहुत खराब होगा इसलिए मंत्र कहता है यश चाहो भी तो सत्य पर आधारित उसके लिए ईमानदारी से काम करो यश मिलेगा ही नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं अच्छा दूसरी बात एक व्यक्ति परोपकार का कार्य करता है और परोप का कार्य ये कर्म फल सिद्धांत है कि जो करता है उसको अवश्य फल मिलता है अवश्य में वो कृतम कर्म शुभा मैंने जितना किया उसका फल मुझे मिलेगा किसी न किसी न किसी ने रूप में मिले और कभी न कभी मिले कभी भी मिले पर मिलेगा अगर मेरे परोपकार से मुझे इस समय बहुत प्रतिष्ठा मिल गई प्रतिष्ठा भी तो फल है प्रतिष्ठा मिल गई जय जयकार हो रहा है सब हो रहा है इसका मतलब आगे जो फल मिलेगा उसमें कुछ न कुछ तो कमी आएगी कुछ तो हमने हुँ यहीं ले लिया कोई हमें पुरस्कार मिल रहा है उसमें से थोड़ी सी राशि पहले ही ले ले हम तो बाद में कमी मिलेगी तो जितना हम चाहेंगे हमें बहुत मिल जाए तो आगे तो कमी आनी है वृद्धि तो नहीं होगी उतना भी नहीं रहेगा इसलिए हम चाहें नहीं इसके लिए दूसरे रास्ते न अपनाए कि हमें ये मिले मिले तो ठीक है और मिली भी या तो उसमें लिप्त तो ना हो राग न रखे तो फिर कोई बात नहीं है।, है क्या आध्यात्मिक क्या तो हाँ अभी तो पूरा नहीं हुआ। ऐसे धन, हर व्यक्ति को एक ही चिंता है धन की उसे अपने राष्ट्र की चिंता नहीं है उसे समाज की चिंता नहीं है उसे अपने चरित्र की चिंता नहीं है उसे परिवार की चिंता नहीं है धन के लिए वो किसी से भी संबंध विच्छेद कर सकता है। जो जासूसी करते हैं दूसरे देश के लिए क्या उनके अंदर में कुछ राष्ट्रीय भावना है थोड़े से धन में बिक जाते हैं महापुरुषों के जीवन को देखें तो उन्होंने कैसे कैसे गद्दारों से उनका मुकाबला हुआ है कैसे कैसे गद्दारों ने उनको कितने तकलीफ पहुंचाई अभी कुछ इन दोनों झांसी की रानी देख रहा हूं एक थैली स्वर्ण मुद्राओं के लिए आदमी ने कितना घात किया उस, उस युवती के साथ कितनी उम्र थी रानी की लक्ष्मी बाई की थोड़ी उम्र थी कितने उस महिला ने संघर्ष किए उसके साथ कितनों ने गद्दारी की कितनों ने धोखाधड़ी की केवल स्वर्ण मुद्राओं के लिए और वो थी वो देश के लिए कितना साहस ने कितना बलिदान किया तो धन के लिए असत्य का मार्ग न अपनाए आज व्यापारी तो ये कहता है कि बिना झूठ के तो व्यापारी नहीं होगा मैंने भी थोड़ा व्यापार करके देखा था जब ग्यारह पढ़ता था मैं झूठ नहीं बोलता था मैं समझता हूं कि कुछ दिन नहीं चले लेकिन धीरे धीरे चल जाएगा लोगों को जैसे मालूम पड़ेगा कि ईमानदार है तो चलेगा उसका व्यापार भी और जब सभी झूठे हो एक बात यह भी है कि कोई झूठा व्यक्ति भी दूसरे झूठे पर विश्वास नहीं करता नहीं उसको अच्छा मानता एक चोर दूसरे चोर को अच्छा नहीं मानता एक शराबी दूसरे शराबी को अच्छा नहीं मानता एक चरित्रहीन दूसरे चरित्र को अच्छा नहीं मानता ना उसका विश्वास करता तब भी उसके अंदर यह भाव नहीं आता है कि वैसे मुझे भी कोई अच्छा नहीं मानता होगा मैं चोर हूं तो, अच्छा तो मुझे कोई अच्छा नहीं मानता होगा मैं बेईमान हूं तो मुझे कोई अच्छा नहीं मानता उसके में भाव कभी आता ही नहीं इस पर हम विचारे कि हमने बहुत पैसा कमा लिया उससे क्या होगा मकान बना लेंगे ठीक है उसके बाद क्या होगा बहुत सारे मकान बना लेंगे आदमी अन्न ही खाएगा कपड़े पहनेगा और थोड़ी सी जमीन उसके लिए सोने के लिए चाहिए जीने के लिए संसाधन चाहिए इसके अतिरिक्त सारी जिंदगी धन कमाने में परिश्रम किया फिर उसकी धन की सुरक्षा में परिश्रम करेगा और धन को ले जाएगा तो रोएगा ये अवश्य है वेद भी कहता है वयम श्याम पतयाम हम धनेश्वर के स्वामी होवे लेकिन वह धन सत्य पर आधारित हो सत्य पर आधारित तो धन धन है नहीं तो निधन है निधन कहते मृत्यु सत्य पर आधारित धन हमारी बुद्धि को पवित्र करेगा और असत्य पर आधारित धन हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा इसलिए हमारी हम भारतवासियों की सब देशों से भ्रष्ट ज़्यादा हो रही जापानी लोग बहुत मांस खाते हैं, भारत से ज्यादा अमेरिकन अरब अरब देशों के लोग लेकिन वे देश के प्रति ईमानदार हैं। वे कमाते ईमानदारी से बनाते बत, कमाते हैं वो वह कानून का शासन है वो कानून से डरते हैं लेकिन हमारे देश में कोई कानून से नहीं डरता दिल्ली में आगजनी हुई इतनी हत्या हुई दंगा हुआ तमाशा देखिए कि तैतालीस आदमी मर गए कल का रात का समाचार है कोई गिरफ्तार हो जाएगा गिरफ्तार होकर के क्या होगा कुछ दिन जेल में रहेगा जमानत मिल जाके छूट जाएगा घर बैठेगा मुकदमा चलता रहेगा जो मर गए उनको क्या मिला वो वापस तो नहीं आएंगे जिनका धन चला गया दुकाने संपत्ति जला दी उनको क्या मिला उनको कौन देगा ये कोई कानून है क्या चार हजार तीन चार हजार मरे सिख दंगे में तीन चार हजार सिखों को जला दिया गया इंदिरा गांधी के हत्याकांड के बाद जेल में कितने आदमी हैं उसके बदले एक दो ही होंगे शायद सज्जन कुमार यशवीर जी कौन कौन जेल में ए, एक एक आदमी जेल में और कोई हो तो पता नहीं चार हजार मौतों के लिए एक आदमी को जेल में रखा उसको भी फांसी नहीं दी गई कैसा न्याय मरे चार हजार उसने मारे चार हजार या मरवाए चार हजार और आदमी को एक को सजा हुई वो भी जेल में असुविधाजनक ढंग से रहता है ये कैसा कानून है तो हमारे कोई दंड है ही नहीं ये सब क्यों हुआ सत्ता सत्ता के प्रभाव से दंड नहीं मिलता सत्ता जब साथ में होती तो दंड नहीं मिलता और कानून बनाने वाले भी ऐसे अच्छा एक कल्पना कीजिए कि लालू जी पर कितना घोटाला था आरोप नौ सौ करोड़ का उनको सजा क्या मिली तीन साल की जेल पांच साल की उनका घाटा क्या हुआ वहां भी आराम से बैठे फिर आगे घर आए मजे करेंगे साढ़े नौ सौ रुपए साढ़े नौ सौ करोड़ रुपए उनके पास है क्या, तो क्या कर लोगे इतने के जेल जाके कमा लिया।, लिया तो ये कैसा कानून है क्योंकि सब जगह असत्य का साम्राज्य है अपने देश में सब जगह झूठे कानून बनाने वाले झूठे कानून का पालन करने वाले झूठे प्रजा भी झूठ बोलती है राजा भी झूठ बोलता है इसलिए हमारा देश धर्म प्रधान कहने को धर्म प्रधान है लेकिन अधर्म प्रधान देश है यहां धर्म में भी तो झूठ बोला जाता है जो साधु है वो और ज्यादा झूठ बोलता है कथा बच्चों को सुनो कभी कथाएं सुनो कितने झूठ बोलते हैं लेकिन वेद कहता है धन या सत्य पर आधारित हो कथा करने के पीछे उद्देश्य यह नहीं होता कि मैं सुधार करूंगा कथा के पीछे उद्देश्य होता है कि मुझे बहुत सारी दक्षिणा मिलेगी बहुत सारे यश मिलेगा तो मंत्र कहता है कि मेरा यश होवे या धन होवे वे दोनों सत्य पर आधारित तो हो मैं मेरा जीवन सत्य में होवे महर्षिदानंद सरस्वती जी ने कहा सत्या प्रकाश की भूमिका में सत्य से बढ़कर मानव उन्नति का दूसरा कोई कारण नहीं है भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा सत्य में वे ईश्वर लोके सत्य में सत्य ही ईश्वर है और सत्य में ही लोक प्रतिष्ठित है संसार सत्य में प्रतिष्ठित है वेदने का सत्य सत्य नो नोतभिता भूमि भूमि सत्य पर टिकी हुई जो लोग कहते हैं कि असत्य बिना संसार नहीं चलता वे थोड़ा इस पर विचार करें क्या एक सप्ताह वो झूठ ही बोले सत्य बिल्कुल ना बोले फिर देखें उनका क्या होता है जैसे घर में खाना खाने गए और माँ ने कहा कि भूख लगी है तो भूख लगी हो तब तो कहना कि नहीं लगी और भूख नहीं लगी हो, तो कहना भूख लगी है फिर देखना कैसा जीवन होता है झूठ से संसार नहीं चल सकता संसार जो भी चल रहा है संसार के जो भी व्यवहार चल रहे हैं वो सत्य से चल रहे हैं झूठ उसमें मिला हुआ है उस झूठ को निकालते तो बहुत अच्छे चलेंगे बिल्कुल सत्य पर चले तो संसार स्वर्ग बन जाएगा और केवल झूठी झूठो सत्य बिल्कुल न हो तो संसार बिल्कुल नहीं चले सत्य प्राकृतिक है असत्य कृत्रिम है सत्य ईश्वरी नियमों के अनुकूल है असत्य ईश्वरी नियमों का उल्लंघन है संसार में कोई जड़ पदार्थ असत्य का व्यवहार नहीं करता पानी है तो पानी जैसा ही व्यवहार करता है अग्नि है अग्नि जैसा ही व्यवहार करता है वायु है वायु जैसा ही व्यवहार करता है सूर्य है सूर्य जैसा व्यवहार करता है और मनुष्य है मनुष्य लेकिन राक्षस जैसा व्यवहार करता है पशु जैसा व्यवहार करता है लेकिन पशु पशु है पशु जैसा ही व्यवहार करता है बंदर है बंदर जैसा व्यवहार करता गाए है गाय है गाय जैसा लेकिन मनुष्य ने व्यवहार छोड़ा मनुष्य मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करता महर्षि यास्क ने कहा मनुष्य किसको कहते हैं मत्वा कर्माणी सीब गतिथि मनुष्य है जो सोच विचार करके कार्य करता उसको मनुष्य कहते हैं कैसे सोच विचार के ऋषिदानंद ने इसको स्पष्ट किया आर्य समाज के नियम में सम काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए प्रत्येक कार्य को करने से पहले यह सोचना चाहिए कि सत्य है क्या असत्य है, है सत्य है तो करना चाहिए असत्य तो छोड़ देना चाहिए ऐसा जो करता हुआ है मनुष्य तो मनुष्य वम उसने मनुष्यता का व्यवहार छोड़ा पशु बाकी संसार के किसी प्राणी ने अपना अपना व्यवहार नहीं छोड़ा तो मंत्र हमें सिखाता है कि हमारा जीवन सत्य पर आधारित तो हो गए रही अध्यात्म की बात अध्यात्म में चले तो योग साधना का सबसे बड़ा कोई आधार है तो अहिंसा और सत्य है इसके आगे अध्यात्म टिकता ही नहीं रहता ही नहीं सत्य की परिभाषा सत्य के लिए उपनिषद करने का नहीं सत्यात् परो धर्म पातकं परम सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है सत्य किसको कहते हैं महर्षि व्यास जी ने कहा योग दर्शन के भाष्य में कि जैसा आत्मा में हो वैसा मन में वैसा वाणी में वैसा कर्म में लेकिन वो सब भूतों की भलाई के लिए हो वह सत्य है ये शर्त रख दी आत्मा में मन में तो ऐसा है कि आज आत्मा मन में तो बहुत बुरी बातें हैं सबका धन मेरे घर में आ जाए ये, ये आज सबके मन में ये है और इसके लिए काम करने लग जाए तो खून बह जाएगा सारे देश में इसलिए ब्यास जी कहते हैं शर्त लगा दी कि सब भूतों के हित के लिए वह सत्य है इतना ही नहीं कि मन में है वो कर लो वही सत्य जो मन की बात करते हैं आत्मा की बात करते हैं वो दो तरह के मनुष्य होते हैं एक होता है पागल वो मन की बात करता है जैसा उसके मन में जैसा वैसा ही करता है वो बिल्कुल नहीं सोचता कोई गणित गुणा भाग नहीं करता रास्ते में बैठा है और ये अंशुमन पात्र घूमने गए वो सोच रहा है कि इसमें पत्थर मारना है तो मार देगा वो है ना वो नहीं विचारेगा कि ये फिर मेरे को मारेगा ये सोचेगा नहीं उसके मन में वो वाणी में भी कह देगा और कर्म में भी परिणत कर देगा है सत्यवादी और एक जो मन में होता है वही बोलता है बनावटी नहीं बोलता ऋषि दयानंद ब्रह्मा जी के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े हुए ब्रह्मा मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं डॉक्टर रवि वो नवाब की कोठी पर रह रहे हैं और वही इस्लाम का खंडन कर रहे हैं क्यों उनका जैसा मन में वैसा वाणी में है वैसा कर्म में है अब महापुरुष और पागल में अंतर क्या है महापुरुष पागल में ये अंतर है कि महापुरुष जानता है कि मैं बोलूँगा अब सबके हित के लिए बोलूँगा हित के लिए ही बोलता है और उसके अंदर की वाणी वो हितकर ही है अहितकर है ही नहीं वो अहितकर सोचता ही नहीं वो और पागल पागल तो हितकर उसे हितकर और हितकर का पता ही नहीं लगता जैसा <गण> मन में वैसा कर देता है शराबी होता है ना उसको क्रोध आ जा तो किसी का सिर फोड़ देगा और नहीं तो रिक्शे में जाए रिक्शा वाला दस रुपया मांगे हजार रुपया पकड़ा देकर ले जा क्यों उसके अंदर विवेक ही नहीं तो पागल हित भी कर सकता अहित भी कर सकता है लेकिन महापुरुष कभी अहित नहीं करता किसी का दोनों ही सत्य पर चल रहे हैं इसलिए पागल का सत्य सत्य नहीं है महर्षि व्यास की दृष्टि में महापुरुष का सत्य सत्य है इसलिए महर्षि ब्रह्मा जी को भी कहना पड़ा सत्य वचनम श्रेय सत्य ज्ञानम चाहुष्कर सत्य बोलना श्रेयस्कर है श्रेष्ठ है लेकिन क्या सत्य है यह जानना बहुत दुष्कर कार है आजकल सत्य को बहुत सत्य पर व्याख्यान बहुत होते हैं हमारे देश में होते हैं दूसरे देशों में मैं नहीं समझता होते होंगे धर्म पर व्याख्यान हमारे यहां ज्यादा होते हैं दूसरे देशों में नहीं होते होंगे इतने लेकिन सबसे ज्यादा असत्य बोला जाता और सत्य को सत्य की व्याख्या में भी खूब झूठ मिलाया जाता है सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानियां सुनाने के लिए कथा सुनाने में खूब झूठ मिलाया जाता है तो सत्य सत्य तो मर गया सत्य पर भाषण देने वाले ही सत्य का नाश कर रहे हैं धर्म पर भाषण देने वाले ही धर्म का नाश कर रहे हैं किसी उर्दू शायर ने अच्छा लिखा है खुदा के बंदों को देख कर ही खुदा से मुनकिर हुई मुनकिर हुई है दुनिया बंदे हो जिसके ऐसे को कोई अच्छा खुदा नहीं है जब ईश्वर के भक्तों की लीलाएं जब देखते हैं अपने देश में काम लीलाएं लोभ लीलाएं और बहुत सारी लीलाएं जो तो सामान्य विवेक की व्यक्ति होता है वो सोचता है कि ईश्वर के भक्त ऐसे हैं तो ईश्वर भी ऐसा ही होगा कोई मतलब नहीं ईश्वर है ही नहीं है अगर है तो वो भी ऐसा ही होगा लील और ऐसे बना भी दिए चाहे कृष्ण जी को देख लो या किसी को देख लो सब में झूठ मिला दिया या लेकिन वेद कहता है कि हमारा यश हमारा धन सब कुछ सत्य पर आधारित हो फिर आगे कहा स्वाहा मैं ऐसा सत्यवाणी से कह रहा हूं इसमें भी सत्य जोड़ दिया मैं ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं या अंतरात्मा से प्रार्थना कर रहा हूं ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा ऐसी प्रार्थना हम करते ना टेप रिकॉर्डर की तरह जैसे प्रार्थना कर रहे हैं पूजन ये प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए ये हमारे यहां भी एक रहता था बहुत झूम झूम के गाता था और इतना छल छल कपट उसके भीतर वो प्रार्थना गाता कैसे था लगता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं और मैं क्या हूं ये कुछ सोचता ही नहीं कोई जैसे टेप रिकॉर्डर सोचता नहीं है बोलता है मेमोरी में या सीडी डी है वो गाते हैं बढ़िया है, बढ़िया है, गाएंगे गाएं लेकिन उनमें आत्मा थोड़ी है उनमें हृदय थोड़ी है उनमें मस्ती थोड़ी है जो आपने डाल दिया वो बोल देंगे कहीं हम वैसे ही तो नहीं बोल रहे संध्या याद है तो संध्या सुना दी यज्ञ याद है तो ये सुना दिया अब भीतर से है क्या हमारे अंदर भीतर से आचरण में कितना है मंत्र कहता स्वा मैं ऐसा सत्यवाणी से कह रहा हूं आरती में कहते ना पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ ईश्वर क्या बढ़ाएगा हमें बढ़ानी पड़ेगी ये सब हमें करना पड़ेगा उससे तो प्रार्थना इसलिए करते ताकि हमें बल मिले हम हमारे अंदर अहंकार दूर हो किसे मांगेंगे तो अहंकार दूर होगा अहंकार दूर करने के लिए प्रार्थना होती है दुखों को सहन करने के लिए उपासना होती है अपने गुणों को सुधारने के लिए उस स्तुति होती है तो हेमंत कह रहा मैं ऐसा सत्यवाणी से कह रहा हूं क्या कह रहा हूं कि मैं अपने यश को और धन को सत्य पर आधारित होना ही चाहता हूँ अन्यथा नहीं, नहीं तो ये आचमन का तीसरा मंत्र और फिर पानी पिया था मुख से लेकर हृदय तक पहुंचा यहाँ तक पहुंचा यहाँ आमाशय प्रारंभ होता है ग्रसिका से लेके ग्रास नली में वहां तक पहुंचा हृदय क्षेत्र तक अर्थात मैं शीतलता से शांति से जल शांति शीतलता का प्रतीक है मैं बड़ी शांति से शपथ लेते है ना कोर्ट में कोई हलफनामा उसमें लिखते हैं मैं होश आवास में ये ये लिख रहा हूं नोटरी वगैरह कराते हैं होश आवास में तो यहां आचमन भी यह कह रहा है मैं होश आवास में शांति से यह बात कह रहा हूं जल पी करके कह रहा हूं जैसे जल शांत है वैसे मैं शांत मन से बात कर रहा हूं जैसे जल शीतल है शीता सा ये ठंडे दिमाग से कह रहा हूं कि मैं सत्य को ही चाहता हूं मेरा यश और धन सब सत्य पर आधारित हो और किससे कह रहा परमात्मा से कह रहा किसी व्यक्ति से नहीं कह रहा जो झूठ बोल देगा नहीं मैं तो ऐसा नहीं कहा आदमी के सामने तो का तो मैं तो ऐसा नहीं कहा लेकिन तो उससे ऐसा कह भी नहीं सकते मैंने ऐसा नहीं कहा क्यों क्यों उसके बाद सबकी मेमोरी है तो ये तीसरा आचमन हुआ अब अगली बार फिर जो अंग स्पर्श है वो प्रारंभ करेंगे ओम शम